किचन गार्डनिंग कर घर में सब्जियां तो बहुत से लोग उगाना चाहते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में शुरू नहीं कर पाते। अगर आपके साथ भी यही समस्या है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज हम आपको इस वीडियो में किचन गार्डनिंग के लिए गमले में मिट्टी तैयार करने की विधि बताएंगे। गमले में मिट्टी तैयार करने की विधि इतनी आसान है कि आप आज ही अपने घर पर किचन गार्डनिंग की शुरुआत कर देंगे। इससे पहले यदि अभी तक आपने यूनिक फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, सब्जी लगाने के लिए सबसे पहले हमें गमला तैयार करना होगा और उसके लिए हमें मिट्टी चाहिए होगी। यह मिट्टी आप खेत से या आसपास के गार्डन से भी ले सकते हैं। साथ ही बराबर मात्रा में खाद भी लेनी है। यह खाद गोबर की बनी हो सकती है। इसके अलावा वर्मी कंपोस्ट या किचन खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप अपने घर की छत पर सब्जियां उगाना चाहते हैं तो आप मिट्टी की जगह कोकोपीट भी ले सकते हैं, क्योंकि ये वजन में हल्की होती है। इससे आपके घर की छत पर भार नहीं पड़ेगा। दोस्तों, हम ज्यादातर देखते हैं कि पौधों के नीचे ढेर सारी पत्तियां गिरी रहती हैं, और अगर ध्यान देंगे कि पेड़ के नीचे की मिट्टी बहुत ही भुरभुरी सी और नरम होती है, इसका मतलब है कि ये बहुत अच्छी खाद बनी होती है। इसलिए हम इन पत्तियों को इकट्ठा करके इनका भी यूज कर सकते हैं। अगर नीम की पत्तियां भी मिल जाती हैं तो ये बहुत ही अच्छा होगा। नीम की पत्तियां पौधों को दीमक से बचाएंगी। अब हमारे सामने गमले की मिट्टी तैयार करने के लिए जरूरी चीजें आ चुकी हैं। हम इन सभी को अच्छी तरह से मिलाकर मिट्टी तैयार कर लेते हैं। अब हम गमले का चयन करते हैं। अगर गमला मिट्टी का है तो ये बहुत ही बढ़िया रहता है। इसके अलावा आपके पास जैसे भी जुगाड़ हो, यानी कि क्रेट, डब्बा, पीपा, बाल्टी आदि, हम गमले के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, हमें गमले का साइज भी ध्यान रखने की आवश्यकता है, और यह डिपेंड करता है कि हम कौन सा पौधा या सब्जियां लगाने वाले हैं। अगर छोटे पौधे यानी कि बैंगन, मिर्च, टमाटर, गोभी, तो 10 से 12 इंच का गमला ले सकते हैं। और यदि बड़े पौधे यानी अमरूद, नीम, नींबू, मौसमी आदि के लिए हमें बड़े गमले की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों, सबसे पहले गमले के नीचे छोटा सा छेद कर दीजिए ताकि जब हम गमले में पानी डालें तो ज्यादा पानी होने पर पानी बाहर निकल जाए, वरना गमले में ज्यादा पानी होने पर पौधों की जड़ें सड़ जाती हैं या गल जाती हैं। अब हम इस मिट्टी को गमलों में भर कर तैयार कर लेते हैं। तो दोस्तों, अब हमारा गमला सब्जियां लगाए जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गमलों में मिट्टी कितनी हल्की रखें और सब्जियों के बीज कैसे उगाएं। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके हौसला बढ़ाएं। धन्यवाद।